मेरे को बहुत संक्षिप्त कार्यकाल रहा यहाँ एसीबी में, पर 2 महीने में जितना संभव था उसको करने का प्रयास किया। और कोशिश ये रही कि प्रदेश में जो हमारे लोग हैं उनको सबसे पहले तो इस बारे में जागरूकता हो कि अगर भ्रष्टाचार की कोई स्थिति है और कोई उनसे रिश्वत मांगता है तो किस तरह से शिकायत करनी है और कहाँ शिकायत करनी है। तो इसके लिए हमने 1064 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है और एक व्हाट्सएप नंबर है उसके लिए हमने लगातार कोशिश की कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हो। और पूरे प्रदेश में एक दिन हमने अपने सारे ऑफिसर्स जो जहाँ जहाँ हर जिले में हैं उनको हमने गवर्नमेंट के ऑफिस में भेजा कि वहाँ जाके ये पोस्टर लगाएं ताकि जो भी परिवादी या जो भी किसी काम से कोई व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय में आता है तो उसको ये सामने ही दिखे कि अगर उस कार्यालय में उसके साथ किसी तरह की कोई अनुचित डिमांड है तो वो किस तरह से एसीबी तक पहुंच सकता है। और उसका हमने रिजल्ट भी देखा। जिस दिन हमने ये कार्रवाई की उसके इमीडिएट बाद कई दिनों तक हमारे पास जो 1064 पे जो कॉल्स आती हैं उनमें बहुत बढ़ोतरी भी हुई। तो वो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट था और आगे भी हम इस संबंध में हमारी पूरी कार्य योजना है जिसके तहत हम इसको बढ़ा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जो इस तरह का जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि पब्लिक को कैसे अप्रोच करना है अगर कोई रिश्वत लेता है वो हम ई मित्र हैं या और बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन हैं, जहाँ जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आवागमन है और जो अपने किसी कार्य से निकलते हैं किसी सरकारी दफ्तर की तरफ तो उनको इस तरह की जानकारी मिल सके। और साथ ही दूसरा जो प्रयास है कि जो जिनकी शौहरत खराब है, आम शौहरत खराब है, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके बारे में सूचना इकट्ठा करके सारे हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो अब इस ओर कार्य कर रहे हैं कि हर विभाग में जो जिला स्तर पे है या मुख्यालय संभाग मुख्यालय पे है जिस विभाग में जिस जिस तरह के लोगों के बारे में एक आम धारणा है कि उनके उनका आचरण भ्रष्ट है उनके बारे में उनकी सूचियां तैयार करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सामग्री एकत्रित करें। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यकाल में और इससे पहले भी मैंने जहाँ जहाँ कार्य किया आप लोगों का बहुत सहयोग रहा। जो भी आपसे अपेक्षाएं रही कि एक पॉजिटिव न्यूज़ देखे और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल तैयार करें उसमें आपका हमेशा सहयोग रहा, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और हेमंत प्रियदर्शी जी को मैंने अभी चार्ज दिया है और मुझे विश्वास है कि वो आने वाले समय में और भी बेहतर एसीबी का प्रदर्शन सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। तो कुछ पूछना हो अगर कोई चीज कुछ सर, आपके जाते जाते ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला भी खुलासा हुआ है, उसी के ऊपर मैं चाहूंगा कि आप बोलें क्या किस तरह से ऑपरेशन है। नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का आपने देखा होगा कि ये बहुत ही एक गंभीर प्रकरण है और सबसे इस प्रकरण में सबसे जो इसका अच्छा पहलू ये रहा कि SMS हॉस्पिटल के वरिष्ठ लेवल से ही इस प्रकरण के संबंध में सूचना एकत्र करके हमें हमसे शेयर की गई और उसी का ये नतीजा निकला कि वो उस सूचना को हमने डेवलप किया धीरे धीरे और जो संदिग्ध लोग थे उनके ऊपर निगरानी की और कल परसों जाके उसमें हमें सफलता मिली जब हमने उनको रंगे हाथों ट्रांजेक्शन करते हुए और जो फोर्ज NOC थी उनका आदान प्रदान करते हुए पकड़े गए। और उस प्रकरण में हमने एक टीम गठित की है DIG डॉक्टर रवि के नेतृत्व में, हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 4 अधिकारी हैं जो उसको देख रहे हैं और प्रयास ये है कि इसमें आगे जिन जिन की भी अगर भूमिका रही है चाहे वो कर्मचारी हों या ऐसे कोई प्राइवेट व्यक्ति हों जो इसमें कोई गलत कृत्य कर सकते हैं तो उसकी पूरी तह तक जाएं और जो भी इसमें है
उसके उसका सारा खुलासा कर सकते। सर सिर्फ फर्जी एनओसी देने तक ये पूरा मामला है या फिर अंगों की तस्करी या इंटरनेशनल रैकेट भी इसमें अभी तक सामने आ रहा है, क्योंकि विदेशी जो जो मतलब मरीज है नेपाल क्यूबा बांग्लादेश वो सब शामिल है, तो अंगों की तस्करी का भी कोई मामला है या फिर एनओसी के लिए ही रिश्वत लेने देने का मामला है अभी तक की जानकारी? देखिए अभी चूंकि ये प्रारंभिक अनुसंधान भी हुआ है तो अभी इस समय आगे इसमें क्या क्या हो सकता है उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, परंतु ये हम जरूर बताना चाहेंगे और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रवि से कि वो आगे बताएं कि इसमें हम जो भी इसके पीछे रहा है उन सब तक हम जरूर पहुंचें। इसीलिए हमारा प्रयास है कि हम इसमें एक टीम गठित करके इसको एक सिंपल एक केस नहीं लेके एक इसको एक विशेष केस लेके हम चाहेंगे कि इसका पूरा पूरा खुलासा कर सके। देखिए दो दिन पुराने केस में बहुत ज्यादा हमें कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करने चाहिए। हमारा केस शुरू हुआ है, हमने अपनी मंशा आपको बता दी कि हम चाहेंगे कि इसमें पूरे प्रकरण का पूरा खुलासा हम कर सकें, उसमें जहां जिसकी जैसी भूमिका आती है उसके हिसाब से कार्रवाई। सर मुकदमा केवल यहां भी दर्ज आपने तो बता दिया कि तो है, इसके अलावा 420 वगैरह क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर एनओसीज भी हैं फर्जी तरीके से कुछ और भी दस्तावेज सील वगैरह सारी चीजें, मुकदमा कहीं और भी दर्ज हुआ है इसमें या एसएमएस की ओर से मुकदमा दर्ज हो रहा है? नहीं एसएमएस की तरफ से कोई मुकदमा अगर दर्ज हुआ उसकी अभी हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है, उसकी तो कोई जानकारी हमारे पास अभी ऊपर नहीं है। आपके पास जो भी लीड्स हो आप हमसे शेयर करें तो हम उसमें सारे लीड्स को हम गौर फरमाएंगे। देखिए जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं अलग अलग स्तर पे कार्य करने की, तो इस समय ये एक अवसर मिला है कि मैं भारत सरकार में एक प्रमुख संस्थान में कार्य कर सकूं जिसका जो कार्य है वो पूरे भारतवर्ष में उसका कार्य क्षेत्र है, तो ये एक बहुत अच्छी और एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। तो मैं तो भाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँ पहले यहाँ कार्य करने का अवसर मिला और अब वहाँ कार्य करने का अवसर मिला है। सर बीपीआरडी में संभवतः शायद क्राइम रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बीपीआरएनडी में आपके जो पुलिसिंग की व्यवस्था के संबंध में किस तरह के परिवर्तन किस तरह की प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसके बारे में, और ये जितने अभी नए जो आपने देखा होगा भारत सरकार ने अभी नए कानून जो 3 बनाए हैं जो पुराने हमारे सदियों से चले आ रहे थे उनमें जो परिवर्तन किया है उसको भी किस तरह से उस संबंध में पुलिस कर्मियों को जल्दी से जल्दी प्रशिक्षित किया जाए ताकि उनका पूरा तरह से क्रियान्वयन हो सके, वो भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसको दी हुई है। सर आपको एसीबी में बहुत कम समय मिला, कोई ऐसी इच्छा रही होगी पता कि अगर थोड़ा और टाइम मिल जाता तो और इसको टैप करते हैं? इच्छाओं का तो कोई देखिए वो सीमा नहीं होती, पर जो 2 महीने में जितना हुआ वो भी मुझे लगता है कि काफी सेटिस्फाइंग। तो राइट नाउ ऑल आई कैन टेल यू इज कि करंटली 40 हॉस्पिटल में हमारी रिसर्च इट इज ऑन जारी है। तो 40 हॉस्पिटल में हमारी सर्च अभी जारी है एंड जो हमने 40 के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को पकड़ा था विनोद, उनकी इंटरोगेशन से जो सस्पेक्टेड केसेस हमारी जानकारी में आए हैं उनकी फाइल्स को हमने सीज कर लिया है एंड अभी तक जो हमने गौरव के घर से जो NOCs कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो हमने जब्त करी थी उसमें तकरीबन 40% केसेस आर इंटरनेशनल केसेस, जिसमें बांग्लादेश के केसेस भी हैं, नेपाल के केसेस भी हैं और कंबोडिया के भी केसेस हैं। जो NOCs जारी हुई हुई हैं दे हैव बीन मार्क्ड टू, या जो जानी थी वो जो
हमारे राजस्थान में जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उन सभी में सभी के लिए वो एनओसीज हैं, प्लस अ कपल ऑफ हॉस्पिटल्स फ्रॉम मुंबई, दे आर ऑल्सो देयर इन द लिस्ट. वी आर वर्किंग ऑन इट एंड करंटली ये हमारा अपडेट है. इस पे जो हमारे पास एसएमएस हॉस्पिटल में जो हमने कार्यालय जिसको सीज किया है उसमें काफ़ी संख्या में फाइलें हैं पुरानी, और चूंकि हमने अपना टाइम स्पैन इन्वेस्टिगेशन का 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स इस्टेब्लिश किया है, तो उन फाइलों को खंगालने में हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा. वी विल वॉन्ट टू नो कि इनमें से कितनी जेन्युइन फाइल्स हैं और कितनी इसमें से फोर्ज्ड हैं. So that's all from my side. Any questions from my side? What is the modus operandi related to abroad also? Okay. Ma'am, सबसे पहले तो let us not call it a racket right now because we don't have enough for that statement. But all I can tell you is that ये बड़ा एक normal प्रक्रिया है क्योंकि India is a center for medical tourism. And medical tourism के तहत आप जानते हैं कि केरला और सदर्न स्टेट्स ऑलरेडी इसमें एंड मुंबई आर क्वाइट अहेड ऑफ अस इन दिस, एंड राजस्थान ने भी अपने आप को एज अ मेडिकल टूरिज्म स्पॉट प्रोजेक्ट करने का भरसक प्रयास किया है. और ये इस वजह से है कि द मेडिकल फैसिलिटीज इन राजस्थान दे आर ऑल्सो प्रिटी गुड. सो कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज से पेशेंट्स, जेन्युइन पेशेंट्स, नॉट ओनली फॉर ट्रांसप्लांट्स बट ऑल्सो फॉर अदर ट्रीटमेंट्स, चाहे वो कैंसर का हो चाहे वो और किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का हो, उसके लिए बाहर से लोग हिंदुस्तान में आते हैं. तो ये भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी एक प्रक्रिया एज पर लॉ लेड डाउन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उस प्रोसेस में पहले भी पेशेंट्स ट्रांसप्लांट्स के लिए इंडिया में आते रहे. ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स मैंने आपसे जो शेयर किए हैं, इनमें इन नंबर्स में से वी विल हैव टू फाइंड आउट कि कितने एनओसीज आर एक्चुअली जेन्युइन एंड कितने फेक हैं. सो दैट वी आर वर्किंग अपॉन. आई कांट गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर, आई कांट इवन से कि इसमें से कुछ फोर्ज्ड हैं या नहीं. मैम राजस्थान में देयर आर, यस्टरडे ओनली आई टोल्ड कि देयर आर 11 और 12 हॉस्पिटल्स व्हिच हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट. सो सभी के लिए एनओसीज हैं, दे मे बी जेन्युइन आल्सो सम ऑफ देम. यस we are looking at a period of last 3 years, 3 and 1/4, 24 ka bhi 3 mahine ho gaye. So transplant cases total, I think they are somewhere in the range of 800 to 1000 cases. employees isme aage agli kadi mein doctor aur management ke, let me clarify, 800 to 1000 cases mein se kitne genuine hai kitne nahi hai, that we have yet to establish. There may be genuine cases. I think a large number of them are genuine cases. जी. इसमें आगे कड़ी में डॉक्टर और मैनेजमेंट के लोग शामिल हो सकते हैं क्या आपको लगता है? देखिए, we are keeping this angle a possibility open, and जिस किसी भी की इसमें you know भागीदारी दिखाई में देंगे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो मैनेजमेंट के और भी कोई रोल प्लेयर्स हों, we will take action. For that we need to know how many NOCs are actually forged. So since we don't have that number, so I cannot calculate a payoff till as of now. ये आपको I think hospital प्रबंधन से पूछना पड़ेगा. अलग अलग है. अलग अलग. देखिए डोनर्स का जिसकी जेन्युइननेस का वेरिफिकेशन अभी हमारे स्तर पे, हमारे लेवल पे हमने नहीं किया है. वी आर राइट नाउ लुकिंग एट द एनओसी वेदर इट इज़ फोर्ज्ड और रियल. अगर वो रियल है और उसमें फिर डोनर वैलिड है कि नहीं है, दैट इज़ अ सेकंड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच विल टेक टाइम. दैट विल फाइंड आउट, अभी मैं नहीं कह सकता. बिल्कुल की जाएगी. अभी नाम बताया सर उन्होंने कौन कौन है, क्योंकि दो दिन हो गए तो साथ में तो बताया होगा कि केवल एक कड़ी है नीचे जुड़ी हुई है या और भी ऊपर लेवल की. वी आर डूइंग आवर इंटरोगेशंस इन्वेस्टिगेशंस राइट नाउ, आई कैन नॉट शेयर मच डिटेल्स,
जितना मैं शेयर कर सकता हूँ उतना मैंने आपसे भी निवेदन किया है। That we'll have to find out. I can't give you an exact number till I see the files, all of them. Yeah. Okay. Thank you. जिस जिसका रोल आएगा उस उसको अरेस्ट करेंगे। जैसे सारे हॉस्पिटल्स का आपने बताया कि सभी हॉस्पिटल्स में हो तो वहां के सभी जरूरी नहीं है सभी हॉस्पिटल्स ये सभी जगह पता करेंगे। इट इज नॉट इट विल नॉट बी राइट टू से कि एवरी हॉस्पिटल इज इंडल्जिंग इनटू मेल प्रैक्टिस। सर इनसे ऑर्गन तस्करी की चीज कुछ चीज आई इट्स टू अर्ली टू से। सर अभी आपको ज्यादा सूचना नहीं दे पा रहे प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप इनको पता ही नहीं। अगर आपकी ऐसी राय है तो वी विल वेट फॉर सम टाइम फॉर द नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों की और अपने जो प्रेस बंधुओं की सुविधा के लिए है। मैं जानता हूँ आप दिन में कम से कम 10-10 बार एवरीबडी इज कॉलिंग मी एंड कॉलिंग डीजी साहब। सो इट इज़ टू फैसिलिटेट वट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम उतना मैं आपको दे दूँ एंड यू शुड ऑनर दिस कि ठीक है साहब जितना आपने दिया उतना हमको ग्रह है। राइट थैंक यू।